सो हेलो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्से क्लासेज एंड फेसबुक पेज पीजे लक्से क्लासेज गाइज़ के पाँच बज चुके हैं और आप सभी को बताएं हमेशा जो आपके इंपॉर्टेंट क्लास होती है उसी कड़ी में लाइव क्लास नंबर थर्टी एट जो है आज अपने लाइव है अभी सारे लोग एक बार जुड़ जाओ आप सभी को बता दूं सभी को वैसे पता ही है जितने लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको बता दूँ ई ए एस आई सी डी एस एस बी आर आर बी आर एम एल पी जी आई जी एम सी एच और नॉर्थ साइड मैंस और विभिन्न प्रकार की सी एच ओ कर दिया उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज हमेशा पाँच बजे हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर होती है तो सारे लोग जो है एक बार जुड़ जाए सभी को वेरी गुड इवनिंग बहुत बढ़िया तो सभी लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि क्लासेज उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है थोड़ी देर हो सकता है कि बिना सब्सक्राइब करके आपके दिख जाए लेकिन आप सारे लोग जो है अभी यूट्यूब चैनल पी जे लग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ आप पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ और साथ ही साथ हमेशा क्लास पाँच बजे से कोई भी परिस्थितियाँ रही हो हमेशा आप तक पहुँचती है और ऐसी क्लासेज जो कि एग्जाम uh, में 95 फाइव परसेंटेज क्यूसन आपके जो है हमारी क्लासेस से आएंगे हमारा वादा है किस बेसिस पर कह रहे हैं क्योंकि हमने जो है नॉर्थ सेट प्री से पहले 27 क्लास ली थी और 32 क्वेश्चन हमारे सत्ताईस क्लासेज में से आगे थे ठीक है तो इसी आधार पर हम बता रहे हैं कि आगे भी आपको सभी भर्तियों में जो है क्यूसन हमारी क्लासेज से मिलेंगे क्योंकि ये क्ला, क्लासेज जो है हमारे पीजे ज लक्स क्लासेज का जो कॉम्बो सेट है हमने तैयार किया जिसमें पुराने एग्जाम ऑल इंडिया के जितने भी भर्तियाँ आई हैं उन सभी के पेपर हमारे पास पहुंच चुके हैं और उनके उनको मिलाकर हमने एक कॉम्बो यानी कि बुक तैयार की है पीजे लक्से क्लासेस की जो कि आपको खरीदने पर नहीं मिल पाएगी लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे क्लासेस को शेयर करेगा उसको हम पहुँचा देंगे उस तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और सीधा पहुँचा देंगे टेंशन नहीं लें कल के हमारे जो विजेता है मतलब जिनको हमने भेजा है मीना ठाकुर ठीक है मीना ठाकुर नाम से जो है आ, उनसे हमने कांटेक्ट भी कर लिया जो कि मथुरा यूपी से है अभी तक हम जो है 21 लोगों तक ये पूरी कॉम्बो सेट पहुंचा सके हैं आप भी पाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा शेयर कर दें ठीक है उन्होंने कल जो है एक सौ जनों को जो है शेयर किया हमारी वीडियो को तो बहुत ही अच्छी बात है सारे लोग शेयर करो जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको जो है हमारी क्लासेज का कॉम्बो सेट मिल जाएगा जो कि एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है यदि वो पढ़ लोगे तो सलेक्शन से और कोई भी भर्ती हो चाहे छोटी बड़ी कोई भी भर्ती हो ठीक है कल हमने जो है क्लास को बीच में जोड़ा क्योंकि कल नेटवर्क इश्यू था और कम ही क्वेश्चन कर पाए आज पूरी क्लास चलेगी जो कि बहुत ही लंबी क्लास चलने वाली है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज क्लासेज में रहने वाले सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते दे जाएंगे एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक और शेयर कर दो फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ कल के लास्ट क्वेश्चन से ठीक है फटाफट से जितने भी साथी जुड़े कहाँ से क्लास देख रहे हैं और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे बता दीजिएगा ठीक है चलिए कल लास्ट क्वेश्चन था वेक्टर बोन दैट ट्रांसमिट सॉरी द वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिजीज काला अजर आज गला काफी खराब है लेकिन हमने कहा था कोई भी परिस्थिति हो क्लास तो आपको मिलेगी ठीक है काला आजार जो बीमारी है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है तो कल मैंने इसके लास्ट में आपको आंसर होता है चूँकि कल नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू था इसलिए बीच में क्लास को छोड़ दिया तो सेंट सेंट्रलाइज का करेक्ट आंसर रहने वाला है आज के दिन का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फाइव स्टार क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना लास्ट में अभी स्क्रीनशॉट ले लो आप जो है मोबाइल में और अपनी कॉपी में छाप के बाद में उड़ा देना ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बैक्टीरियल फ्लोरा हेल्थ इन सिंथेसिस हो बहुत बढ़िया तो जो भी जो है आपके मैंस हो मैन हो वुमेन हो उनके इंटेस्टाइन में जो है एक हेल्दी फ्लोरा पाए जाते हैं जिनको बैक्टीरियल फ्लोरा भी कहते हैं वो किसके सिंथेसिस में काम में लिया जाता है ठीक है सॉरी किसके सिंथेसिस में काम में आता है तो कौन से विटामिन का सिंथेसिस विटामिन डी के या बी बारह या ई ठीक है अभी मैं बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें विटामिन डी जो है कल मैंने आपको बताया और पुराने क्लासेज बताया था इसकी कमी से रिकेट्स और औष्टियामोलासिया दो बीमारियाँ होती है रिकेट्स बच्चों में होती है ओस्टियामोलासिया एडल्ट में होती है ठीक है विटामिन के जो है क्लोटिन का काम करती है क्लो, क्लोटिन फैक्टर को एक्टिवेट करते हुए ब्लीडिंग टेंडेंसी को कम करती है विटामिन बी बारह की कमी से परने एनीमिया होता है विटामिन ई जो है एंटी फर्टिलिटी जो है एंटी फर्टिलिटी विटामिन है ठीक है सॉरी एंटी स्टिलिटी विटामिन है फर्टिलिटी नहीं एंटी स्टिलिटी ठीक है ये चीज़ें आपको याद रखनी है तो एक बच्चा होता है जिसमें जो है अपन जन्मते ही एक जैसे ही कोई रसगुल्ला है या बच्चा है ठीक है उसको जो है जन्मते ही अपन एक टीका लगाते हैं विटामिन के का क्योंकि उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो एकदम स्टेराइल होती है जिसमें ये हेल्दी फ्लोरा जो बैक्टीरियल फ्लोरा है ये नहीं पाए जाते हैं इसलिए अपन उनको जो है विटामिन के का इंजेक्शन बाहर से देते हैं ताकि उसमें ब्लीडिंग ना हो तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं विटामिन के, के सिंथेसिस का काम करते हैं बच्चों में ये होता नहीं है बैक्टीरिया जो इसलिए जो है उसमें विटामिन के का अपन जो है टीका लगाते हैं तो करेक्ट आंसर बी जाने वाला स्किन शॉट लेकर कॉपी में छाप लेना ठीक है तो गला बहुत ज़्यादा खराब है फिर भी जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक बार सारे लोग जो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बीच इज द स्किन डिसऑर्डर कॉज्ड बाय बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसके बीच एक जो है स्किन डिसऑर्डर होता है स्किन की बीमारी है जो कि एसटीडी भी है एक प्रकार की स्किन की बीमारी और एस टी डी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होती है ये और इन जो इस बीमारी है इसका मुख्य कारण क्या है इच्चमाइट टिक्स लाउस या मॉस्क्यटो मच्छर नहीं है लाउस नहीं है टिक्स नहीं है इचमाइट होते हैं ठीक है उजली तो बहुत ज़्यादा आती है इसमें जो तो करेक्ट आंसर ए जाने वाला है सभी लोग जो है इसका आंसर लिख देंगे क्या ए ठीक है सभी लोग लिख दो बहुत ही बढ़िया सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना पीजे लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करना और यदि आप नॉन नर्सिंग की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो पीजे नर्सिंग हब के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है दूसरा जो उस पर हम नॉन नर्सिंग की क्लासेस जल्द शुरू करें पीजे नर्सिंग हब तो जाकर अभी जुड़ जाओ फिर जो है आपका होगा कि हमको कहानी ठीक है पीजे नर्सिंग हब के नाम से जो है यूट्यूब चैनल है जहाँ पर एक नर्स मैडम का फोटो है तो आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना अगला क्वेश्चन है द मोटेलिटी ऑफ इन्फेंट अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन अट्ठाइस वीक्स ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू सेवन डे आफ्टर द बर्थ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ठीक है, है? <coughs> कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको 28 वीक वो गैस पार कर चुकी है अट्ठाईस वीक से लगाकर बर्थ और बर्थ के सात दिन बाद में ठीक है सात दिन तक

फॉमिट बॉन्ड ट्रांसमिशन होता फॉर्मेट्स के द्वारा आर्टिकल्स के द्वारा जो पेशेंट के आर्टिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं उनके द्वारा किसी बीमारी का दूसरे व्यक्ति में फैलना फॉमिट बॉन्ड ट्रांसमिशन कहलाता है फॉर्मेट क्या होता है ठीक है इंसेक्ट एयर वाटर या इंटरमीडिएट आर्टिकल मैंने अभी बता दिया था आपको तो करेक्ट आंसर यहाँ जी डी जाने वाला ठीक है तो जो है वो कंटामिनेटेड आर्टिकल्स होते हैं फटाफट तो से, दे से, फटा से आंसर देते जाओ ठीक है अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पेनफुल मैस्ट्रेशन इज नॉन एज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कोई भी मेस्ट्रल पीरियड आता है उसको जो है पेन होता है उस टाइम पेनफुल मेस्ट्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं मीनोरेजिया एमनोरिया डिसमेनोरिया मेट्रोरेजिया बहुत बढ़िया तो एक एक करके सारी चीजें बता दू मैं आपको एक मीनोरेजिया होता है जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ठीक है यानी कि नॉर्मल ब्लीडिंग से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है मैस्ट्रल पीरियड के दौरान इसको कहते हैं आपके मीनोरेजिया ठीक है एमनोरिया का मतलब होता है सीजेसन ठीक है दो प्रकार का एमनोरिया होता है सीजेशन मतलब क्या है कि मैस्ट्रल पीरियड आना बंद हो जाते हैं ये दो प्रकार का होता है एक प्राइमरी होता है जिसमें क्या होता है कि ये आपके मैनार के पहले का जो पीरियड होता है जिसमें प्यूबर्टी से पहले का पीरियड आता है और सेकेंड सेकेंडरी जो होता है वो होता है आपके मीनोफोज के बाद वाला आपके जो एमनोरिया होता है उसको ठीक है तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डिसमेनोरिया ठीक है थीके? मतलब पेनफुल जब भी वर्ड आए तो डिस होगा ठीक है डिसमेरिया डाइसूरिया पेनफुल मेचुरेशन होता है उसको कहते हैं मेट्रो का मतलब होता है कि इेगुलर साइकिल आता है ठीक है रुक रुक के कभी भी आ सकता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है डिसमेनोरिया द कंडीशन प्लेसेंटा रेफर टू बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एब्रेसिव प्लेसेंटा जो है वो क्या होता है पोस्ट पार्टन हमरेज एंटी पार्टम या लो लाइंग प्लेसेंटा लो लाइक प्लेसेंटा होता है उसको अपन कहते हैं प्लेसेंटा प्रिविया ठीक है प्लेसेंटा प्रिविया ये भी आपको याद रखना अच्छा क्वेश्चन ये भी बनेगा प्लेसेंटा प्रीविया क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स में जो है इसी क्लासेस में से आएंगे आपको हमेशा पाँच बजे हमारे साथ जुड़ना एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी ई एस एस सी डी एस एस बी आर आर बी आर एम एल नॉर्थ साइड मैंस इसके अलावा सी एच ओ जी एम सी एस पी जी आई सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है तो आप सभी ने देखा होगा एबसी प्लेसेंटअप जो है एंटी पार्टर पार्टअप हेमरेज होता है ठीक है प्लेसेंटा जो है समय से पहले सेपरेट होता है जिसको अपन प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेमरेन कहते हैं तो प्रॉम हो जाता है उस टाइम जो है डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग होती इसको एंटी पार्टम है इसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं ठीक है पोस्टमार्टम नहीं है पोस्टमार्टम का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है एबोर्सन भी नहीं है लो लाइन प्लेसेंटा को मैंने अभी बता दिया आपको कि प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं समझ में आ गया अगला फाइव स्टार क्वेश्चन है बेंडल्स रिंग जो है वो किसमें बनती है पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेंडल्स रिंग इन यूट्रस यूजुअली अकर ड्यूरिंग बहुत ही बढ़िया है तो बनती कहाँ है तो यूट्रस में बनती है लेकिन कब बनती है ऑब्सट्रेक्टिव लेबर के टाइम प्लेसन ड्रीविया के टाइम नॉर्मल डिलीवरी है यूटेराइन इन्वर्जन के कारण तो यहाँ पर जो है जब लेबर जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है ऑब्स्ट्रेक्टेड हो जाता है उस टाइम जो है एक बैंडल्स नाम की रिंग बनती है ठीक तो है, है तो ऑब्स्ट्रेक्टिव लेबर में बनती है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला ए सभी लोग एक दबा दीजिए ए दबा दीजिए फटाफट ए ए कर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ठीक है हमेशा पाँच बजे क्लास होती है उसमें जुड़े ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ भी यहाँ पर मिलती है ठीक है ओलिगो हाइड्रो एमिनियोज इज रेफर बहुत बढ़िया हाइड्रो एम्योज ओलीगो एक पोली हाइड्रो एम्योज होता है जिसमें एक्सेसिव एम्यूनिटिक फ्लूड बनता है एम्यूटिक फ्लूड जो है वो नॉर्मल से ज्यादा बनना पोली हाइड्रो एमनियोज कहलाता है और उससे कम बनता मतलब रिड्यूस हो जाना एम्यूटिक फ्लूड की मात्रा का उसको जो है अपन ओलिगो हाइड्रो एम्योज कहते हैं तो यहाँ पर रिड्यूस एम्यूटिक फ्लूड ए इज करेक्ट आंसर बाकी आंसर अपने को पड़ने ही नहीं, नहीं है सीधा सा आंसर है ए इज़ करेक्ट आंसर ठीक है समझ में आ रहा यस बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन द वेजाइनल डिचार्ज ड्यूरिंग परप्यूरियम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थ्री स्टार क्वेश्चन है तीन इसमें प्रकार होते हैं तो थ्री स्टार बता दो ठीक है वेजाइनल डिचार्ज होता है कब परप्यूरियम के दौरान परप्यूरियम क्या है कि डिलीवरी का जो बाद का पीरियड होता है उस टाइम जो वेजाइनल डिचार्ज होता है उसको क्या कहते हैं फर्स्ट डिचार्ज लोचिया प्लेग या फिर जो है एगजुडेट्स बहुत बढ़िया तो उसको जो है अपन लोचिया कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं लोचिया आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं बी इज करेक्ट आंसर लोचिया जो है तीन प्रकार का होता है एक होता है लोचिया रूबरा एक होता है लोचिया सिरोसा एक होता है एल्वा रूबरा जो होता है वो रेड होता है याद रखना ये जो है येलो होता है और ये जो क्लियर होता है ठीक है ये अपने जीरो से तीन पहले तीन दिन का होता है ये चार से सात दिन का होता है और ये सात से दच, दस दिन का होता है ठीक है तो ये जो है आपको डेट वगैरह भी याद रखनी अच्छे से समझ में आ गए मैंने पहले लोचिया के बारे में पुराना पुरानी जो हमारी थर्टी सेवन क्लासेज है उनमें पढ़ा रखा तो आप पूरी क्लासेस देख लेना तभी आप जो है सलेक्शन के लायक हो पाओगे ठीक है प्राइमरी पेस मेकर इन मेमिलियन हार्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मेमल्स जो होते हैं उनमें प्राइमरी पेस मेकर कौन सा होता है ठीक है साइनो एटेल ने बंडल इज ओपेज पुरकेजे फाइबर या एवी नोट तो आ, ये तो चलो इजी क्वेश्चन सारे लोग आंसर दो इसका मैं चाहूँगा जितने भी पचास साठ लोग जुड़े सभी आंसर देंगे ठीक है इजी है या पेस हर्ट किसको कहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड फटाफट से आंसर दीजिए जी हाँ इंपल्स जो जनरेट होते हैं वो कहाँ से होते हैं ये पूछा गया है ठीक है ऐसे नोट होता है ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ऐसे नोट पाया कहाँ जाता है फटाफट से बता दीजिए ऐसे नोट कहाँ पाया जाता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना फटाफट से ठीक है एक्वापोरिन सार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक्वा का मतलब होता है वाटर ठीक है एक्वापोरिन क्या है सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल क्लोरीन चैनल या वाटर चैनल तो एक्वा का मतलब ही वाटर होता है तो करेक्ट आंसर भी यही जाएगा तो सभी लोग देख दो डी ठीक है सही आंसर है एक्वापोरिन मतलब वाटर चैनल नेचुरल किलर सेल आला एग्जाम्पल हो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया फाइव स्टार क्वेश्चन है ठीक है नेचुरल किलर सेल होती है वो किस प्रकार का जो है एग्जाम्पल है इन इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी या हाइपर सेंसिटिविटी <coughs> तो ये एक प्रकार की इम्यूनिटी है कोई सेंसिटिविटी तो ही नहीं एक्वायर्ड नहीं होती है क्योंकि खुद की नेचुरल है अब ऑटो इम्यूनिट है इन है ठीक है तो ये शरीर में जो है जब भी बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम ये मौजूद रहती है और बाद में जो जैसे ही कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है उस टाइम ये काम करती है इसलिए इसको इन एक्टिविटी के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? इन्नेट मतलब खुद के बनाई हुई शरीर के द्वारा खुद बनाई हुई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी समझ में आ गया एफ टेन वायरस स्पेशली अफेक्ट एफटेन बर, बर सिंड्रोम आपने सुना होगा ई ठीक है तो एफ स्टेन जो वायरस होता है वो किसको अफेक्ट करता है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ई पी सुना होगा एफ बर सिंड्रोम ये सेवन स्टार क्वेश्चन है ठीक है हल्के में मत लेना और क्लासेज को हल्के में बिल्कुल ही मत लेना क्योंकि क्लासेज वही है जो एग्जाम आने लायक पेपर से सीधे ठीक है एफ बर वायरस स्पेशली अफेक्ट बी लिफोसाइड टी लिम्फोसाइड प्लेसाइड प्लेटलेट्स uh, या आरबीसी तो इसका मतलब तो ये हो गया कि खून को तो ये करेगी ही करेगी अफेक्ट ठीक है सीधा ब्लड लिखा है तो ब्लड को करेगी लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग पार्ट दिया है तो ब्लड का कौन सा पार्ट है ठीक है एपस्टैंड बर बर से भी याद रखना बी लिम्फोसाइट इज करेक्ट आंसर ठीक है ए आंसर रहेगा सभी लोग ये लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में बढ़िया वेरी गुड मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से स्क्रीन शॉट लेने का मौका दे रहा हूँ आपको यहाँ पर जो है ए इज करेक्ट आंसर है बी लिम्फोसाइट एपस्टेंट बर वायरस बी लिम्फोसाइट नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेकिंग ब्रेक बोन फीवर इज़ कॉमन इन्फेक्शन है बहुत तो ईजी है चलो कोई बात नहीं फटाफट चांस हो देंगे ठीक है ब्रेक बोन फीवर किसको कहते हैं जिसको हैमरेजिक फीवर भी कहते हैं अपन ठीक है हेमरेजिक फीवर हेमरेजिक फीवर तो हेमरेजिक फीवर या ब्रेक बोन फीवर किसको कहते हैं डेंगू स्टेप्टोकोकस क्लोस्टेडियम टेटानी या सालवोना टाइफी बढ़िया सालवोनाला टाइफी जो है इसको अपन टाइफॉइड फीवर भी कहते हैं और इसमें जो है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं है स्टेपलेटर फीवर ठीक है स्टेबलेडर ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा इसलिए अपन वही वही क्वेश्चन इसमें क्लास में डील करेंगे जो कि एग्जाम आने लगेगा ठीक है ईजी नहीं है बस कुछ ईजी क्वेश्चन भी है थर्टी परसेंट ईजी आते हैं मैंने बताया था सेवेंटी परसेंट बहुत हार्ड आते हैं तो वो सारे क्वेश्चन अपन डील कर लेंगे कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा आपको ब्रेक बॉन फीवर या हेमरेजिक फीवर जो होता है वो डेंगू होता है ठीक है तो करेक्ट आंसर डेंगू रहेगा डेंगू कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है ये बता दीजिएगा वायरस तो इसका कारण तो होता है डेंगू वायरस ठीक है तो डेंगू एक अरबो वायरस है ठीक है ये भी याद रखना लेकिन इस मच्छर कौन सा ये आपको बताना ठीक है व्हीकल ऑटोक्लेव इज मेथड ऑफ़ स्टिलाइजेशन ऑटोक्लेव के बारे में कल मैंने पूरा बताया था 100 डिग्री 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 एल प्रेशर 15 प्रेसर पंद्रह या तीस मिनट जो आप टाइम तो वो सारी चीज़ें आपको देख ली होगी मैंने कल आपको बताया था कि ऑटोक्लेव इज़ ए मोस्ट हीट मेथड तो यहाँ पर जो है ऑटोक्लेव स्टिलइजेशन का कौन सा मेथड ड्राई हीट मोइ्ट हीट फिल्ट्रेशन या रेडिएशन ठीक है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है होट एवर होट एयर ओवन जो होता है ना उसके बारे में पूछा जाता है हॉट एयर ओवन जो होता है ये आपके होता है ड्राई हीट का ठीक है और जो आपके ऑटो क्ले होता है मोस्ट हीट का मैथर्ड तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला है बी क्या जाने वाला है बी बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, है एक नहीं आ रहा है ये या नोम सर दीजिए फटाफट से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है एग्जाम आने लाएगा ठीक है हमेशा पाँच बजे आपको जुड़ना है मोन्टेक्स टेस्ट इज एन इंट्राडर्मल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन विथ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मोन्टेक्स कि टेस्ट किया जाता है आप सभी को है जो कि टीबी में किया जाता है ठीक है टीबी ट्यूबरकुलोसिस के टाइप ये एक इंट्राडर्मल टेस्ट होता है जो कि अपरार में लगाया जाता है लेफ्ट साइड में और तो बीसी का टीका भी अपराध नहीं लगता है ये भी आपको याद रखना ठीक है मोन्टेक्स टेस्ट इज इंट्राडर्मल टेस्ट किसके लिए किसका डायग्नोस कॉलेरी जो कि कॉलेरा करवाता है सालमोना टाइफी जो टाइफाइड करवाता है स्पाइरोचिटेट या माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस तो मैंने अभी टीबी का बताया तो आप सभी को एकदम ध्यान में आ गया होगा कि माइक्रोबैक्टेरियरियम ट्यूबरकुलाई इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है डी जाने वाला है आवाज में थोड़ी दिक्कत है दोस्तों गला खराब है लेकिन फिर भी आपके लिए क्लासेस हमेशा आती रही द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज मेनली बहुत बढ़िया क्वेश्चन ठीक है हेपेटाइटिस बी जो है वो किससे फैलता है ये पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग हेपेटाइटिस में सारे मैंने पढ़ा रखे हैं फिर भी बता देता हूँ आपको फीको ओरल से फैलता है आपके हेपेटाइटिस ए कौन सा हेपेटाइटिस ए पेरेंटल से हेपेटाइटिस बी फैलता है ठीक है और हेपेटाइटिस सी जो होता है ना सी ये होता है आपके पोस्ट ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पोस्ट ट्रांसफ्यूजन वाला है और डी जो है हमेशा बी के साथ में होता है ये आपको याद रखना है तो यहाँ पर पेरेंटल रूट जो है ब्लड के द्वारा पेरेंटल रूट से फैलता है जैसे प्लेसेंटा से भी यही फैल सकता है और बाकी सारे इंजेक्शन वगैरह से जो प्रिक होते हैं उनसे भी फैल सकता है करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला है बी पेरेंटल रूट से फैलता ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा द विंडो पीरियड ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन रेफर टू पीरियड इन विच एच आई वी इन्फेक्टेड पर्सन इज बहुत बढ़िया सेवन स्टार क्वेश्चन को भी जरूर छाप लेना दोस्तों विंडो पीरियड होता है एच आई वी इन्फेक्शन का तो एच आई वी इन्फेक्शन उस टाइम जो है वो किस प्रकार से उसको पर्सन जो होता है वो कैसा होता है नेगेटिव फॉर एंटीजन नेगेटिव फॉर एंटीबॉडी पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडी या नेगेटिव वो बहुत एंटीजन है एंटीबॉडी बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है दोस्तों पहली बार सुना होगा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको सेवन स्टार अपनी कॉपी में जरूर छापना जब भी विंडो पीरियड चल रहा होता है तो पेशेंट जो है पॉजिटिव फॉर एंटीजन और नेगेटिव फॉर एंटीबॉडी होता है तो करेक्ट आंसर बी जाने वाला है दोनों याद रखना यहाँ पर पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव फॉर एंटीजन ठीक है एंटीजन और नेगेटिव फॉर एंटीबॉडी तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपके जाने वाला है बी नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लामेशन ऑफ वैन इज कल्ड यानी कि जो वैन होती है सिराएँ होती है उनमें इन्फ्लामेश क्या कहलाता है साल्फिन साल्फिनजाइटिस तो होता है ये होता है आपके फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब में इंफ्लामेशन ठीक है मेट्राइटिस नहीं है सिस्टाइटिस जो कि ब्लेडर का होता है ब्लेडर का इन्फ्लामेशन जो सिस्टाइटिस कहलाता है लेकिन जब भी आपके वैन का होता है इन्फ्लामेशन उस टाइम अपन उसको कहते हैं फ्लेबाइटिस ठीक है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्लेबाइटिस डी क्या जाएगा डी एक मुस्त हो गए सारे लोग आंसर देते जाए अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब फ्री में कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद ही ठीक है नेचुरली अकरिंग एंटी कोएगुलेंट इन ब्लड यानी कि नेचुरल जो एंटी कोएग्युलेंट होता है जो कि ब्लड को रोकने सॉरी जमने से रोकता है उसको अपन क्या कहते हैं वो कौन सा होता है ठीक है थ्रोम्बिन जो कि एक प्रकार का आपकी एंटीकोगुलेंट है ही नहीं कोगुलेशन करवाता ठीक है ये तो आपकी क्लोटिंग फैक्टर है ठीक है प्रोथ्रोम्बिन भी एक प्रकार का क्लोटिंग फैक्टर है और ये भी क्लोटिंग यहाँ पर तो तीन क्लोटिंग फैक्टर है तो एंटीकोगुलेंट तो एक ही हुआ हिपेरिन ठीक है तो खून का पतला करने की दवाई होती है जो कि नेचुरल भी होती है और शरीर में भी पाई जाती है जिसको हाइपेरिन कहते हैं करेक्ट आंसर यहाँ जाने वाला सी समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन बायोकेमिकल टेस्ट इन सब क्लिनिकल हाइपोथाइराडिजम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेवन स्टार क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है तो बता देता तो हूँ मैं सब क्लिनिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसे केस जो कि डायग्नोस हुए ही नहीं है ठीक है आपने एक आइसबर्ग फिनोमेना पढ़ा होगा ठीक है मैं आपको आइसबर्ग फिनोमेना के बारे में बता देता हूँ थोड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है ठीक है ये एक प्रकार का जो है आपके पानी है समझ लो इसमें एक बर्फ का टुकड़ा है ठीक है बर्फ का ये टुकड़ा है पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ये आपकी क्लिनिकल केस है मतलब बीमारी तो ये पूरी है लेकिन डॉक्टर के ध्यान में सिर्फ इतनी बीमारी है इसको अपन क्लिनिकल केस कहते हैं लेकिन ये सबमर्ज पोस्टन जो होता है ना सबमर्ज पोषण इसको अपन सब क्लिनिकल या अनडाइग्नोस्ड केस कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो है हाइपोथायराडिज है लेकिन किसी को पता नहीं है ऐसा केस है ठीक है तो सब क्लिनिकल केस है समझ में आ गया फिनोमेना आइसबर्ग का तो यहाँ पर जो है कैसे पता चलेगा कि बायोकेमिकल टेस्ट में कि उसको जो है सब क्लिनिकल हाइपोथायर है रेज्ड टी थ्री आर्मोन जिसको ट्राई आइडो थायरोक्सिन कहते हैं लो टी एच एस यानी कि आपके जो है लो लेवल होगा था हार्मोन का रेज था स्टमुलेटिंग हार्मोन या नो चेंजेस इन टी एस एच तो यहाँ पर जब भी सब क्लिनिकल केस होते हैं आपके किसके हाइपोथर मतलब थारॉयड की कमी हो रही है उस टाइम जो है आपके रेज होगा क्या टी एस एच लेवल टी एच एच लेवल बढ़ा हुआ होगा सी आंसर इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन द एक्सपेक्ट एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द रेस्पायरेटी ट्रैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेस्पायरेटी ट्रैक्ट कह दो या फिर जो है आपके जब भी आप कफिंग करते हैं कफिंग के टाइम ब्लड आना हेमोपटाइसिस कहलाता है हेमेचूरिया क्या होता है ब्लड इन यूरिन ब्लड इन यूरिन हेमोपटाइसिस करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है रेस्परेटरी ट्रैक्ट या कफिंग के साथ है ना मेलना क्या होता है ओल्ड ब्लड होता है ओल्ड ब्लड इन स्टूल स्टूल में यानी कि आपके स्टूल में जो है ओल्ड ब्लड और हेमेटो चीज़ का हेमाटेमिस का मतलब होता है वोमिट वोमिट में जो है आपके ब्लड डाना मतलब उल्टी में ब्लड डाना और एक होता है हेमेटो चीज जिसमें फ्रेश ब्लड होता है किसमें स्टूल में फ्रेश ब्लड इन स्टूल समझ में आ गया सारे टर्म हेमेचूरिया यूरिन में हेमोक्टाइसिस कफिंग या फिर रेस्पारेटेक्ट मैलना ओल्ड ब्लड इन स्टूल हेमाटेमिस मतलब उल्टी के साथ खून या खून के साथ उल्टी और यहाँ पर हेमेटो चीज जो कि फ्रेश ब्लड होता है किसमें स्टूल में समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर टू द मैकेजम ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग स्प्रीन इन द एंजाइना ये फाइव स्टार क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जब भी हार्ट में जो है खतरनाक पेन होता है उसको अपन एंजाइना पैक्टोरिस कहते हैं जो कि एम से पहले की स्टेज होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से पहले की उस टाइम अपन क्या करते हैं एस्प्रीन की गोली देते हैं कौन से रूट से देते हैं फटाफट से बताओ फिर मैं बताता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया सभी लोग बताओ एस्प्रिन कौन से रूट से दे देते हैं आई वी देते हैं आई यूएम देते या ओरल देते हैं वेरी गुड वाह भाई आई एम वाले बहुत ही अच्छा सभी लोग आंसर दो सर जो है स्प्रिन गोली है वो हमेशा सब लिंगुल यानी कि जो जीभ के नीचे दी जाती है ठीक है याद रखना सब लिंगुल देते हैं क्योंकि अब ये भी पूछा गया क्वेश्चन के सब लिंगुल क्यों देते हैं तो अर्ली एक्शन हो उसका ठीक है जल्दी से जल्दी इसका एक्शन हो जो इसका प्रभाव है वो जल्दी जल्दी पहुंचे और जो व्यक्ति के असहनीय दर्द हो रहा है उसमें जो है उसको आराम मिले ठीक है लेकिन आराम इसका एक्शन क्या है कैसे आराम देती है तो हमेशा जब भी एंजाइना फैक्टोरिच होती है तो वहाँ पर जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है मतलब थ्रोम्बस बनने के चांसेज रहते हैं तो ये जो है इनहिबिट करती है प्लेटलेट

फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स एक बार सभी लोग जो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना हमेशा पांच बजे की क्लास में जरूर जुड़े ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियों की न्यूज भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी मिलती है इसके अलावा आपको पी नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना जहाँ पर आपको नॉन नर्सिंग की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं एक दो दिन में ठीक है जितना भाई नॉन नर्सिंग का पोर्सन है वो उधर कंप्लीट करवा देंगे इससे इसके अलावा जो बात है वो बता दूँ आपको कि जो है आप पाँच बजे क्लास में हमेशा जोड़ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ठीक है कंडीशन कॉलिलथियसिस तो है तो आपके गाल ब्लेडर में जब भी स्टोन होता है गाल ब्लेडर में कहते हैं जिसको अपन पिताशे हिंदी लिखनी है क्या बहुत बढ़िया हिंदी लिख देता हूँ पिताशे पिताशे तो पिताशे जो होता है उसमें जब भी स्टोन मतलब पथरी होती है उस कंडीशन को अपन कॉलिलसिस कहते हैं तो करेक्ट आंसर बी जाएगा द मोस्ट कॉमनली यूज यूरिनरी कैथेटर इज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली जो यूरिनरी कैथेटर यूज में लिया जाता है वो कौन सा है पेसर मोलिकोट फॉलिस या मेटल कैथेटर मेटल कैथेटर तो कोई लेते ही नहीं है ठीक है बहुत कम यूज़ लिया जाता है अब बताना है बाकी तीन बच्चा है इसमें से मोस्ट कॉमन यूरिनरी कैथेटर कौन सा काम में लिया जाता है सभी लोग यार एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दो तो आंसर दो तभी मजा आएगा फटाफट से सलेक्शन नहीं चाहिए क्या चाहिए यस या नो आंसर दो किस किस को सलेक्शन चाहिए बता दीजिए मेरे को चाहिए बहुत बढ़िया सबको चाहिए लेकिन कमेंट किसी को नहीं करना वीडियो को लाइक और शेयर किसी को नहीं करना पढ़ना किसी को नहीं तो हमेशा पढ़ो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करो बहुत ही बढ़िया काफ़ी लोग हमारे साथ पहली क्लास से जुड़े मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग ऐसे आलसी हो तो थर्टी एटथ क्लास है तो पुरानी तो 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 सैंतीस की सैंतीस क्लासेज आप देख लेना ठीक है ये हमारी रिक्वेस्ट भी है और आपके लिए कह भी रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज़ में लिया जाता है उसको फॉलि कहते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव गैस्ट्रिक लवास गैस्ट्रिक लवाज इज प्रोसीजर डन टू वॉच द एरीगेट यानी कि गैस्ट्रिक एक तो होता है गैस्ट्रिक लेविस मैंने बताया था पॉइजनिंग वाले पेशेंट में पुराने क्लासेज में आप देखना करते कैसे एक होता है लेविस और एक दूसरा होता है गेविस ये दोनों टर्म्स मैंने आपको पुरानी क्लासेज में समझा रखा है लेवेज का मतलब क्या होता है बाहर काटना गेवेज का मतलब गेव यानी कि देना ठीक है अब क्या देना है वो पुरानी क्लासेज आप देख लेना कास्टिक लेवेज जो होता है वो होता है किसके एरिएशन मतलब किसको साफ करने के लिए जब भी आप पॉइजनिंग पॉइजन लेते हैं तो सीधे किस में जाएगा स्टोमोक में जाएगा यूरिन ब्लडर रेक्टम या यूरोथ्रम थोड़ा ही जाएगा तो अपन जो है स्टोमक यानी कि आपके आमाश्य का जब भी इरिगेशन करते हैं उस टाइम जो है गैस्ट्रिक लावास किया जाता है एनजी ट्यूब के थ्रू तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ही जाएगा आई होप समझ में आई होगी आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा इससे भी इंपॉर्टेंट रहेगी तो आगे भी जो है आप हमारे साथ लगातार पाँच बजे हमेशा जुड़ना ना भूलें सभी साथी हमेशा साथ जुड़ें इसके अलावा वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना क्योंकि अब जो बिना सब्सक्राइबर की क्लासेस नहीं मिलेगी ठीक है और शेयर अधिक से अधिक करना कॉम्बो सेट पाना है तो आप सभी लोग फटाफट से बहुत ज्यादा लोगों तो तक शेयर कर देना पी लक्ष्य क्लासेस फेसबुक पेज पेस पर हमें फॉलो करना पी नर्सिंग आपके नाम से हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप जरूर सब्सक्राइब कर देना वहां पर नॉन नर्सिंग का जितना भी पोर्सन है ना वो पूरा का पूरा डिटेल में हम पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं ठीक है तो अच्छे से आपको उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी पी मिलेगी तो पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में हमें बताना अच्छी लगी हो तो एक शानदार कमेंट हमारी टीम के लिए कर देना रहना जहाँ आपके लिए रात दिन मेहनत कर रही है इसके अलावा वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और आंसर जो है हमेशा करते रहना हमारे साथ जुड़े रहना और कॉपी में जो है जितने भी स्क्री लिए वो छाप लेना मिलते हैं और कल और कई भर्तियों के, के न्यूज के साथ उससे पहले जो है विभिन्न प्रकार की नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियाँ भी हमारे पास आई हुई है उनकी भी न्यूज़ आपको मिलेगी आर आर चाहे आर एम एल हो सारी चीज़ें और इसके अलावा जो है कल पाँच बजे की क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी तब तक गई जय हिंद वंदे मान